नमस्कार, राजेश्वर क्लासेस में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैथ्स क्लास 9 चैप्टर 2 बहुपद पार्ट 4 प्रश्नावली 2.3 क्वेश्चन 1 से 3 तक। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, जिसके 5 भाग हैं। तो सर्वप्रथम हम भाग विधि से शेषफल ज्ञात करना बताएंगे, उसके बाद शेषफल प्रमेय के द्वारा इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले भाग विधि से, बड़े भाग विधि से इसका शेषफल ज्ञात किया जाए। तो ये बहुपद है, इसमें x प्लस 1 से डिवाइड किया जाए। तो हम देख रहे हैं यहाँ x के 3 घात हैं, यहाँ x के 1 घात है। तो यक्स यहाँ लिखा जाए, इसका 2 घात किया जाए, इसका गुणा करेंगे तो ये 3 घात हो जाएगा। यानी तो देखिए, यक्स का इसमें गुणा किएंगे तो यक्स क्यू, और इसका इसमें करेंगे 1 में तो x², और यहाँ घटाएंगे ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x² और 3x + 1 को यहाँ उतारा जाए। अब हम देख रहे हैं यहाँ प्लस 2 है, तो प्लस 2 पहले लिखा जाए, घात देखा जाए, 1 घात अधिक है, तो यक्स यानी 2x का इसमें गुणा करेंगे तो 2x² हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ करेंगे 2x² और इसका इसमें करेंगे तो आ जाएगा 2x यहाँ पर, और यहाँ माइनस माइनस ये कट गया, और यहाँ से यक्स बचेगा और प्लस 1 को उतार लिया जाए। अब हम देख रहे हैं घात बराबर है, 1 + 1 यहाँ लिखा जाए, तो यदि गुणा करेंगे तो यक्स प्लस 1 और फिर घटाएंगे तो ये शेषफल 0 आ गया। तो हम देख रहे हैं भाग विधि से ये प्रक्रिया करने पर, ये लंबी प्रक्रिया है, करने पर शेषफल हमें क्या मिला, शेषफल यहाँ पर 0 प्राप्त। अब शेषफल प्रमेय के द्वारा यदि इसको सरल किया जाए तो कम समय में और आसानी से इसका हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, पहले शेषफल प्रमेय होता क्या है इसको देखा जाए। तो शेषफल प्रमेय देखिए, यदि पी एक्स 1 या 1 से अधिक, ये क्या है, 1 या 1 से अधिक घात वाला एक बहुपद है, 1 या 1 से अधिक घात वाला बहुपद है, ये कोई वास्तविक संख्या है, जब पी एक्स को, यानी इस बहुपद को, पी एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड भाग दिया जाए, तो शेषफल जो हमें प्राप्त होगा, शेषफल हमें प्राप्त होगा पी ए। अब देखिए यहाँ पर ए क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। तो पहले के लिए शेषफल प्रमेय के द्वारा मान लेते हैं, पहले माना पी एक्स इक्वल टू, इसको पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 3x + 1 ही पहला है। तो एक्स प्लस 1 बराबर 0 लिख दिया जाए, यहाँ से हम शून्य निकाल सकते हैं, एक्स बराबर माइनस 1, इसका शून्य क्या होगा, यानी एक्स की जगह माइनस 1 रख देंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो ही इसका शून्य होगा। अब शेषफल प्रमेय के द्वारा, शेषफल क्या होगा, पी माइनस 1। अब जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ माइनस 1 लिखा जाए, 1³ - 3 - 1² + 3 - 1 + 1 हियर। तो यहाँ
माइनस वन का तीन घात है, तो सरल करने पर माइनस वन आएगा, यहाँ थ्री, यहाँ वन स्क्वायर है तो ये वन आएगा, यहाँ माइनस थ्री प्लस और माइनस का गुणा करने पर और प्लस वन हियर, ये हो जाएगा माइनस वन प्लस थ्री, माइनस थ्री प्लस वन, माइनस वन माइनस वन से कैंसिल, थ्री थ्री से कैंसिल, जीरो। तो देखिए शेषफल प्रमेय के द्वारा कितनी आसानी से हम शेषफल निकाल सकते हैं। तो बाकी जो है उसको इसी विधि से शेषफल प्रमेय के द्वारा ही शेषफल ज्ञात किया जाए। तो पहले का तो हो गया शेषफल प्रमेय के द्वारा, अब दूसरा यहाँ पर बहुपद वही यही है px, और यहाँ दूसरा है x माइनस वन बराबर जीरो लिख दिया जाए शून्य के लिए, या हम यहाँ से शून्य ज्ञात कर सकते हैं x बराबर एक बटे दो। तो शेषफल प्रमेय के द्वारा शेषफल, शेषफल प्रमेय के द्वारा शेषफल, तो शेषफल हो जाएगा यहाँ पी शून्य ऐसे लिख देंगे, और इसी में जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ एक बटे दो लिखा जाए, तो यहाँ पर लिखा जाएगा वन अपॉन टू क्यू प्लस थ्री वन अपॉन टू स्क्वायर होगा, और वन अपॉन टू प्लस वन हीयर, और ये हो जाएगा हमारा एक बटे आठ होगा, इसका तीन घात, एक बटे दो गुड़े एक बटे दो गुड़े एक बटे दो, यहाँ होगा तीन गुड़े एक बटे चार स्क्वायर है, और यहाँ हो जाएगा तीन बटे दो प्लस वन। इसको सरल किया जाएगा तो इसका लॉस आएगा आठ, तो वन यहाँ आ जाएगा, चार का भाग देंगे दो और ये छः हो जाएगा, यहाँ इसमें भाग देंगे चार यानी बारह होगा, और यहाँ आठ होगा, और ये बीस छब्बीस सत्ताईस, सत्ताईस बटे आठ, ये हुआ आंसर। शेषफल प्रमेय के द्वारा कितने आसानी से हम हल कर सकते हैं। अब अगला है तीसरा, जो है तीसरे जो पी एक्स में हमें भाग देना है, पी एक्स वही है क्योंकि बहुपद एक ही, एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन हीयर, और हमें यहाँ तीसरा है यक्स से भाग डिवाइड करना है, हमें यक्स से डिवाइड करना है, तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं यक्स बराबर जीरो, यानी इसका शून्य क्या होगा, शून्य, शून्य जीरो होगा। तो शेषफल प्रमेय से शेषफल सीधे सीधे, शेषफल क्या होगा, सीधे होगा पी जीरो, क्या होगा पी जीरो, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ये हो जाएगा जीरो का स्क्वायर प्लस थ्री जीरो प्लस वन, जीरो का क्यू जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो को तीन में गुणा करेंगे जीरो ही आएगा, यहाँ भी जीरो, और प्लस वन यानी वन आ गया। तो कितने आसानी से हम शेषफल प्रमेय के द्वारा शेषफल, ये जो लंबी विधि है भाग देने की, उससे हमें छुटकारा मिल जाता है। तो शेषफल प्रमेय के द्वारा आसानी से हम शेषफल निकाल सकते हैं। अब अगला है चौथा, जो है x प्लस फोर, ये है इससे डिवाइड करना है, तो शून्य के लिए सीधे सीधे यहाँ जीरो लिखा जाए, या यहाँ से आ जाएगा x बराबर माइनस पाई। अब इसी बहुपद, बहुपद एक ही है तो हम शेषफल प्रमेय के द्वारा शेषफल, शेषफल प्रमेय के द्वारा शेषफल, वही शेषफल होगा p माइनस पाई, ये हो जाएगा सीधे सीधे, और जहाँ x है वहाँ माइनस पाई लिखेंगे, q प्लस थ्री माइनस पाई स्क्वायर हीयर,
प्लस थ्री फाइव प्लस वन, ये तीन घात है तो माइनस ही जाएगा, माइनस पाई क्यूब और यहाँ स्क्वायर थ्री पाई स्क्वायर होगा, सारी यहाँ माइनस होगा तो माइनस थ्री पाई हीयर और प्लस वन, इसका शेषफल ये निकला, ये आंसर होगा इसका। अब अंतिम है जिसे मैं डिवाइड करना है वो है पाँच प्लस टू एक्स, तो शून्य निकालेंगे इससे हमें डिवाइड करना है, तो शून्य जीरो सीधे सीधे ले लिया जाए तो यहाँ हो जाएगा टू एक्स बराबर ये पक्षांतर माइनस या एक्स बराबर हो जाएगा माइनस पाँच बटे दो। तो शेषफल प्रमेय के द्वारा शेषफल प्रमेय के द्वारा शेषफल वही पी माइनस फाइव, जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ हमें क्या लिखना होगा माइनस पाँच बटे दो, तो ये हो जाएगा माइनस पाँच बटे दो स्क्वायर हीयर क्यू, सॉरी क्यू है थ्री माइनस फाइव बाई टू है स्क्वायर प्लस थ्री प्लस वन हीयर, ये हो जाएगा तीन बार गुणा करना है इसका तो 125 बटे आठ आएगा, सरल करने पर ये आ जाएगा पचास 25 और प्लस आएगा 25 आएगा, 25 थी यहाँ 75 ये प्लस ही होगा बटे आठ और ये हो जाएगा माइनस होगा 15 बटे दो, 15 बटे दो होगा ये और प्लस वन ये हो जाएगा आठ, ये चार होगा सॉरी ये चार होगा यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर ही है, तो ये 25 थी 75 और ये स्क्वायर चार, दो का स्क्वायर चार ही होगा। अब इसका लॉस जो हमें मिलेगा वो मिलेगा आठ माइनस 125 और ये इसमें डिवाइड 75 150 होगा यहाँ पर 150 और यहाँ हो जाएगा चार यानी 60 होगा प्लस वन, और ये सरल करने पर आ जाएगा माइनस 27 बटे आठ, ये आंसर होगा सॉरी ये आठ होगा क्योंकि ये सरल करने पर 27 बटे माइनस 27 बटे आठ आएगा, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए को एक्स माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो माना पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए, अब हमें भाग देना है इसमें एक्स माइनस ए से भाग देना है, तो इसका शून्यक निकालेंगे सीधे सीधे जीरो करिए और यहाँ से आप पक्षांतर करते एक्स बराबर माइनस ए, तो इसका जो शून्यक होगा ये ए होगा यानी एक्स की जगह हम ये रख देंगे तो इधर भी शून्य आ जाएगा। तो शेषफल प्रमेय के द्वारा शेषफल या सीधे कहिए यदि माइनस यहाँ है तो प्लस ए लिख देंगे यहाँ, शेषफल प्रमेय के द्वारा शेषफल, तो शेषफल हो जाएगा हमारा यहाँ ए है क्योंकि हम इसी से डिवाइड करना है तो पी ए लिख देंगे और यहाँ हो जाएगा एक्स की जगह ए क्यू यहाँ ए और ए स्क्वायर और सिक्स ए एक्स की जगह ए, ये हो जाएगा ए क्यू और यहाँ स्क्वायर ये दो घात इसका एक घात ए क्यू हो जाएगा, ये भी ये सिक्स ए और माइनस ए ये कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा सिक्स ए में से वन ए
घट जाएगा तो यह आ जाएगा 5A, ये आंसर होगा। शेषफल प्रमेय के द्वारा हम आसानी से इसको सरल कर सकते हैं। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 3। जांच कीजिए कि 7 × 3x 3x³ + 7x³ है या नहीं। हमें जांच करना है कि 7x + 3x 3x³ + 7x² है या नहीं। यदि शेषफल प्रमेय के द्वारा शेषफल शून्य आ जाएगा तो यह जो है इसका गुणनखंड होगा, और शेषफल शून्य नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। तो माना पी एक्स इक्वल टू 3x³ + 7x। अब हमें इससे डिवाइड करेंगे और शेषफल शून्य आ जाएगा, गुणनखंड होगा अन्यथा नहीं होगा। तो पहले तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए 7 + 3x = 0 लिखेंगे यहाँ, या 3x बराबर हमें मिलेगा 7 इधर आएगा 75 होगा, या x = -7/3। शेषफल प्रमेय के द्वारा शेषफल तो शेषफल नहीं होगा क्योंकि हमें इससे डिवाइड करना है, तो इसका शून्य किए है तो सीधे सीधे p − 7/3। अब जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ लिखना होगा 3 − 7/3 क्यू हो गया, और ये हो जाएगा 7 − 7/3। तो ये होगा, हमें इसका 3 बार गुणा करेंगे तो ये माइनस में ही आएगा, तो ये इसको लिख सकते हैं −3 7 × 7 × 7 हियर अपान 3 बार 3 3 3, और ये हो जाएगा −7 × 7/3। 3 3 से कट जाएगा यहाँ और मिलेगा हमें −7 × 7 × 7/3 × 3 और −7 × 7/3। अब यहाँ से हम इजली कॉमन ले सकते हैं 7 × 7 माइनस के साथ 3, और यहाँ बचेगा 7/3, और यहाँ प्लस क्योंकि ये कॉमन ही हो गया है तो +1 होगा, तो ये हो जाएगा −49/3, और ये 7 × 3 है तो 7 + 3 का इसमें गुणा 3 3 हो जाएगा 3, ये होगा −49/3, और ये हो जाएगा 10 10/3, ये हो जाएगा −490/9 3 × 9। अब हम देख रहे हैं शेषफल शून्य नहीं, ये शून्य नहीं है, शून्य के बराबर नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि ये जो 7 + 3x है, 3x³ + 7x का एक गुणनखंड नहीं है, तो शेषफल प्रमेय के द्वारा हम आसानी से, यदि शून्य हो जाता तो गुणनखंड होता, शून्य नहीं आ रहा तो ये गुणनखंड नहीं है। नमस्कार।